दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार के बाद पाकिस्तान हुआ वर्ल्ड कप से बाहर, तो वहीं भारत पहुंचा सेमीफाइनल में। जी हाँ दोस्तों, अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबला। दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं भारत कैसे पहुंचा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों कल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने डेड वार्नर के 163 और मिचेल मार्श के 121 रनों की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत 50 ओवर में ठोके 367 रन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने 5 विकेट और हरीश रौफ ने झटके 3 विकेट। दोस्तों 368 रनों का लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी पाकिस्तान की टीम मात्र 305 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से इमाम उलक ने बनाए 70, तो वहीं अब्दुल्ला शेफिंग ने खेली 64 रनों की ताबड़तोड़ पारी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपर ने झटके सर्वाधिक 4 विकेट। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के बाद अब भारत लगभग सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को पछाड़ कर वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले स्थान की बात करें तो न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा लगभग सेमीफाइनल मुकाबला।